एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। धामी का दम, बेरोजगार हुए कम। दरअसल रोजगार के मामले में उत्तराखंड ने सभी हिमालय राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, यानी उत्तराखंड अब उन राज्यों में शुमार हो गया है जहाँ सबसे ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़ों ने उत्तराखंड की इस बेहतर स्थिति को बयां किया है। हालांकि कोरोना काल के दौरान बेरोजगारी दर में उत्तराखंड बेहद खराब हालातों में दिखाई दिया। हजारों नौकरियां गई और बेरोजगारी दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। उत्तराखंड के लिए हालात काफी चिंताजनक रहे। छोटे से पहाड़ी राज्य में बेरोजगारी दर ने आसमान छू लिया था, लेकिन उत्तराखंड अब अन्य उन राज्यों में शुमार हो गया है जो बेरोजगारी दर को दूर करने को लेकर सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई देते हैं। मई महीने में सीएमआईई के आंकड़ों से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी इसे उत्तराखंड को और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर बताती है। 2022 में मई महीने में देश में बेरोजगारी दर 7.5 रही, जबकि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर फिलहाल 2.9% है। यह आंकड़ा हिमालयी राज्यों में सबसे बेहतर है। हिमाचल प्रदेश में अब भी 9.6% बेरोजगारी दर है तो जम्मू कश्मीर में 18.3% बेरोजगारी दर है। यानी उत्तराखंड रोजगार के मामले में हिमाचल और जम्मू कश्मीर से कहीं बेहतर स्थिति में इस समय नजर आ रहा है। उत्तराखंड की स्थिति मई महीने में बेरोजगारी दर को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे बेहतर दिखाई देती है। बेरोजगारी दर के लिहाज से उत्तराखंड सबसे अच्छे हालातों वाले राज्यों में 5वें नंबर पर जगह बना चुका है। उत्तराखंड में रोजगार की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के अनुसार अब राज्य में बेरोजगारी की दर घटकर के केवल 2.9 रह गई है। यह देश के अन्य कई राज्यों से बहुत बेहतर स्थिति है और साथ ही हिमालयी राज्यों में सबसे अच्छी स्थिति है। ये सब स्थितियों में परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा रोजगार को लेकर के दिखाई जा रही गंभीरता, सरकारी पदों पर लगातार हो रही भर्ती और केंद्र द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उसका परिणाम है। वर्तमान में पर्यटन को लेकर के रोजगार की नई स्थितियां बनी हैं, इसमें चारधाम यात्रा का भी योगदान है और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें भी रोजगार में काफ़ी सुधार होता जा रहा है। अब उत्तराखंड के लिए एक नई सुबह शुरू हुई है जहाँ राज्य सरकार अपनी सरकारी नौकरियों को तेज़ी से भर रही है, वहीं केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके अंतर्गत भी उत्तराखंड के रोजगारों को भारी लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो की सरकारों ने जो रोजगार को प्राथमिकता दी है उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। केवल उत्तराखंड नहीं, पूरा देश रोजगार के लिए युवाएँ भटक रहे हैं और ऊपर से जो ये अग्निवीर जो एक योजना चला दी जो विशेषकर जो युवाओं के उस पर जो है एक देशभक्ति का जो जज्बा था कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा घात हुआ है। युवाओं ने 3 साल पहले चेस्ट दी हुई, अब वो चाह रहे थे कि उनका जो है ज्वाइनिंग होगी और ये अग्निपथ जैसी योजना लाए तो कहीं ना कहीं बहुत घातक है और सरकार ने इसमें एक बार फिर मनन करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। तो क्या सर, इनकी पूरी सरकार जो है डबल इंजन की वो जुबलेबाजी पर आधारित है। एक तरफ तो युवा नेतृत्व की, युवा सरकार की, युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं और वहीं पर उन्हीं युवाओं पर आज देखिए हल्द्वानी में कैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है और इनके सब जुमले पर है, सिर्फ कागज़ों पे कागजी कार्य करके भर देना से कुछ नहीं होता, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज घर घर में बेरोजगार हो गया है और इससे सरकार की संजीदगी का पता चलता है। हम सदस्य महत्वपूर्ण जो है बातों पे चर्चा करना चाहते हैं, उसको नहीं देख रहे हैं और कई ऐसी बातें हैं जो इग्नोर की जा रही हैं, तो इससे सरकार की संजीदगी पता चलती है कि कितना सदन में जो है कार्रवाई को लेकर। तो उत्तराखंड में इस समय बेरोजगारी दर काफ़ी कम हो गई है। सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक जिस तरीके से ये बेरोजगारी दर थी वो काफ़ी अहम अब राज्यों में हो गई है। बेरोजगारी दर काफ़ी कम हो गई है। इस समय अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 2.9% उत्तराखंड में बेरोजगारी दर है, यानी कि ये साफ कहा जा सकता है
कि सीएम धामी के धमक इस समय बरकरार नजर आ रही है और जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर उन्होंने जो वायदे किए थे जनता से वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े कुछ यही बयां करते हैं कि रोजगार जो है उसके सृजन किया गया है उत्तराखंड में और जितने पहाड़ी राज्य हैं सभी पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति सबसे बेहतर इस समय नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में काफ़ी लंबा समय ऐसा निकला जब उत्तराखंड को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय हालांकि सीएम जो थे वो धामी नहीं थे, लेकिन जैसे ही धामी ने कमान संभाली उत्तराखंड का जो सारा कार्यभार है उन्होंने संभाला, उसके बाद से ही रोजगार सृजन इस तरीके से हुआ कि उत्तराखंड अब सबसे बेहतर स्थिति में पहुँच गया है। कोरोना काल के दौरान बेरोजगारी दर उत्तराखंड में सबसे खराब हालातों में दिखाई दी थी, हजारों नौकरियां गई थी, बेरोजगारी दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर थी, लेकिन अब जो उत्तराखंड में स्थिति है वो काफी बेहतर बताई जा रही है। चलिए तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं हरियाणा से, जहां पर हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है हरियाणा बोर्ड की ओर से। भिवानी की अमीषा ने इस दौरान टॉप किया है, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। अमीषा ने 499 अंक हासिल कर पूरे हरियाणा में टॉप किया है। 10वीं में 73.18% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आपको बता दें कि लगभग 73% जो है ये जो रिजल्ट है वो रहा हरियाणा में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। चलिए बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर सीएम धामी ने जिस तरीके से कार्य किए हैं उसके बाद अब बेरोजगारी दर जो है वो काफ़ी कम हो गई है और उत्तराखंड में इस समय अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 2.9% इस समय बताई जा रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, इसी के साथ सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और हरीश मैकुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी और बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि जो बेरोजगारी दर है वो काफी सुधर गई है उत्तराखंड में। मुक्तान जी देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी दर का बिल्कुल एक न्यूनतम स्तर पे आना ये हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार से सरकार बेहतरीन काम कर रही है युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, किसानों के लिए और तमाम वर्गों के लिए, हमारी जो भी योजनाएं हैं युवाओं के उनको रोजगार देना, किस प्रकार से हम उत्तराखंड को पूरी तरह से पलायन मुक्त कर सकें, इस और सरकार का बहुत गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और बड़ी गंभीरता के साथ काम किए जा रहे हैं। चाहे अभी विगत दिनों 24,000 नौकरियां देने की बात हो, जिस पर सरकार ने परीक्षाएं भी करवाई और उनका जो प्रोसेस है वो अभी फिलहाल गतिमान है और बहुत जल्दी कुछ और भी नौकरियां, सरकारी नौकरियां भी आगे निकालने हम लोग जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से हम स्वरोजगार की यदि बात करते हैं तो स्वरोजगार में उत्तराखंड को हम ऊर्जा प्रदेश के रूप में जानते हैं और ऊर्जा प्रदेश के रूप में हम इसकी पहचान को और ज्यादा सुदृढ़ कैसे बनाएं, उसके लिए हम लोगों ने सरकार ने ऊर्जा को और अधिक उसका एक्सपेंशन देने के लिए सोलर एनर्जी को बहुत अधिक वरीयता के साथ यहाँ पर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बड़ी संख्या में युवा एक सोलर पार्क बनाकर उससे बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं, जिससे बिजली की कमी को भी हम दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो महिला एनजीओज हैं वो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ काम चल रहा है और सरकार ने पूरी उनको वरीयता देते हुए उनको सब्सिडी भी उसमें 40 से 50
प्रतिशत दी जा रही है और साथ ही उनके जो उत्पाद हैं उनके जो भी उत्पाद यदि सरकारों सरकारी विभागों में कहीं भी काम आते हैं तो सरकार के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, विभागों को निर्देशित किया गया है कि जो उत्तराखंड की महिला एनजीओस हैं सबसे पहले उनका उत्पाद आप खरीदें। तो इस करके क्या है कि एक मार्केटिंग का काम भी ठीक है संदीप जी, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से आपसे जानकारी ली जाएगी, उसके बाद मैं सूरज सिंह नेगी जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल नेगी साहब, जिस तरीके से सीएमआई के आंकड़े जो आए हैं उसमें बेरोजगारी दर उत्तराखंड की 2.9% बता रखी है, कितने संतुष्ट हैं आप इस आंकड़ों से? देखिए मुस्कान जी, अभी 2-3 महीने पहले जो सर्वे हुआ था उसमें उत्तराखंड बेरोजगारी में टॉप पर था और आज ये आंकड़े जो आ रहे हैं तो मैं तो समझता नहीं कि ये आंकड़े सत्यता के कहीं नजदीक हैं। अब उत्तराखंड की सरकार ये बताए कि उसने इन 2-3 महीनों में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमा दी है जिससे कि बेरोजगारी की दर यहाँ पर जो है न्यूनतम हो गई है, यहाँ पर सब लोगों को रोजगार मिल गया है। हाँ, इतना हो सकता है कि ये जो आंकड़े हैं, आजकल पर्यटन सीजन चल रहा है और हमारे होटल व्यवसाय और जो परिवहन व्यवसाय है हो सकता है उनमें कुछ लोगों को रोजगार मिला हो, परंतु ऐसा कि बिल्कुल हम जो बेरोजगारी की दर थी वो बहुत ऊंची थी और उससे एकदम बिल्कुल हम आ गए हैं नीचे, तो ऐसा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2400 नौकरियां देने के हमने प्रोसेस शुरू किए और वो गतिमान है। चलो 24,000, तो 24,000 नौकरियां देने की अभी कार्रवाई गतिमान है, उसमें भी किसी को रोजगार आज तक नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ऐसा जादू का पिटारा इन्होंने खोला है कि जो है एकदम हम बेरोजगारी दर में नीचे आ गए हैं? तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े मुझे लगता है कि सच्चाई से बहुत विपरीत है, सच्चाई इन आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं। ठीक है हरीश मैकुरे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी जो आंकड़े जिस तरीके से इस समय जारी किए गए हैं सीएमआई के द्वारा और दूसरी तरफ जिन आंकड़ों की निगी साहब बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से संतुष्टि रखते हैं या फिर समर्थन करते हैं या समर्थन में नहीं है इन आंकड़ों के? हरीश मैकुरे जी, हरीश जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। संजीव जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, नेगी साहब तो इन आंकड़ों से देखिए संतुष्ट नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि 24,000 के आप बात कर रहे हैं, समय जो बेरोजगारी दर थोड़ी बहुत अगर अच्छी हुई तो वो कारण है पर्यटन जिस तरीके से इस समय चल रहा है पर्यटन का उसको लेकर, लेकिन इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है वो। मुस्कान जी देखिए, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है, वो जब भी उत्तराखंड के लिए कुछ भी अच्छा होता है वो उसे हमेशा नाइंसाफी रखते हैं। अब वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको विकास दिखाई देता नहीं है, विकास आप इतना चाहते नहीं है, विकास से हमेशा आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसको जो अच्छा लगता है उनको अगर काला रंग ही पसंद है तो काला ही उन्हें देखने दीजिए, इससे उत्तराखंड को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिस तरह से अब आपको आदत ही बुरा देखने की पड़ रखी है, बुरा करने की पड़ रखी है, तो इसमें वो ये प्रॉब्लम आपकी है हमारी तो नहीं है, किंतु भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से युवाओं का ध्यान रखने वाली सरकार है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो उन्होंने इस समय अब एक डायनामिक एक पर्सनैलिटी के रूप में उभरे हैं और जिस तरह से उन्होंने हर वर्ग के लिए एक जबरदस्त काम करने का बीड़ा उठा रखा है और उन्होंने अभी हमारी चारधाम यात्रा का आगाज होने से पहले उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को एक टेबल पे बिठाया और साथ ही उनको हिदायत दी कि 2 साल के बाद हमारी चारधाम यात्रा आरंभ हो रही है
और किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए, इस चीज का आप सब लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और यदि उसमें कोई भी ढिलाई पाई जाती है, यदि कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ये एक काम करने की शैली है। और जिस तरह से चार धाम यात्रा आज अपने चरम पर है, पिछले कोरोना से पहले 32,40,000 पूरे यात्रा सीजन में हमारे श्रद्धालु आए थे, जबकि अभी एक माह के अंदर ही ये आंकड़ा 20,00,000 को पार कर चुका है। उत्तराखंड के प्रति लोगों का जो आकर्षण बढ़ा है, जिस तरह से हमने यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से हमने तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें लोग अपनी बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं, हमने अभी टिहरी झील को एक बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है और उसके ऊपर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड प्रदेश जिस तरह से ठीक है। संजीव वर्मा जी लौट गए, एक बार फिर से आपके पास मैं नेगी साहब, इन तमाम सवालों का जवाब आपसे लूंगी, आपकी प्रतिक्रिया इन पर लूंगी, लेकिन उससे पहले हरीश मैखुरी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मैखुरी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मिल रही जी। नेगी साहब बात कर रहे हैं कुछ समय पहले के आंकड़ों की, उस समय जो बेरोजगारी दर थी वो बता रहे हैं कि उस समय जो उत्तराखंड था वो नंबर वन पर था बेरोजगारी में। नंबर वन तो खैर हरियाणा था, लेकिन लगभग इसी के करीब था उत्तराखंड भी। मैखुरी साहब, इस समय जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें 2.9% जो है वो बेरोजगारी दर बताई गई है, क्या आप इन आंकड़ों से संतुष्टि रखते हैं? मुस्कान जी, थोड़ा सा इसको हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं। असल में जो उत्तराखंड में बेरोजगारी है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की देश में बेरोजगारी है, और उत्तराखंड की बेरोजगारी कुछ अलग तरह की है। यहाँ पे पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं, और उत्तराखंड में यदि बेरोजगारी वास्तव में होती तो हमारे बिहार राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से, नेपाल से यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो मित्री लोग हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, वो नहीं होते, उत्तराखंड के युवा होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेरोजगारी है वो दूसरी तरह की बेरोजगारी है, यहाँ पे पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार तो वो काम की तलाश में मैदानी इलाकों में चले जाता है। कोरोना काल में क्या हुआ कि वो सारा का सारा पहाड़ आ गया था, वापस आ गया था, शहरों में रोजगार नहीं रह गया था उसके मतलब का, इसलिए वो वापस आ गया था, तो इसलिए बेरोजगारी की दर ज्यादा दिखी। अब कोरोना काल लगभग अपने सबसाइड है, काफी हद तक निपट गया है, और टीकाकरण होने से काफी कोरोना में राहत मिली है, तो इस कारण जो युवा पहाड़ों की ओर वापस आ गया था, रिवर्स प्लाइन जिसने किया था, वापस अब शहरों में चले गया, उन्हीं कामों पे फिर से लग गया है। कुछ युवाओं ने यात्रा रोड पर जो चार धाम यात्रा मार्ग है वो अब अच्छा बन गया है, तो अपने ढाबे होटल और जो होम स्टे हैं और अच्छे होटल भी खोल लिए हैं, और जो पर्यटन से संबंधित रोजगार है वो भी शुरू कर दिया है, इसलिए निश्चित रूप से अब उत्तराखंड में जो सरफेसियल मतलब ऊपरी तौर पे जो जिसको सरकार आंकड़ा बता रही है वो बेरोजगारी निश्चित रूप से कम दिख रही है, लेकिन जो वास्तविक बेरोजगारी है वो उत्तराखंड को स्किल्ड आदमी है, स्किल्ड पर्सन है यहाँ का, उसके मतलब का रोजगार हम लोग सृजन नहीं कर पाए, वो वापस चले गए, इसलिए जो है ये आंकड़ा मतलब कम आया है हमारा। ठीक है, ये आंकड़ा इसलिए कम आया नेगी साहब, अब देखिए पूरी डिटेल बता दिया मैखुरी साहब ने कि आंकड़ा क्यों कम है, हालांकि बात वही आप कर रहे थे, यानी कि ये मान लिया जाए कि ये जो बेरोजगारी दर है सिर्फ पर्यटन की वजह से कुछ कम हुई है, लेकिन रोजगार सृजन की जो बातें कही जा रही थी वो नहीं हो पाए हैं। जी, मुस्कान जी, मैं मैखुरी जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी की दर है वो पढ़ा लिखा बेरोजगार हमारे यहाँ ज्यादा है, और तमाम देश और विदेश में जो है हमारे यहाँ का युवा जो है काम करने जाता है। कोरोना के समय सब लोग वापस आ गए थे, इसलिए भी बेरोजगारी दर बढ़ी होगी, पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारी नीतियों की वजह से उत्तराखंड की बेरोजगारी कम हुई है, तो ये कहीं दूर तक भी सत्य नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि 24,000 नौकरी निकालने का जब धामी वन सरकार थी तो उस समय इन्होंने प्रस्ताव दिया था, अभी तक वो प्रक्रिया चल रही है,
तो एक भी व्यक्ति को रोजगार अभी तक नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अगर बेरोजगारी के आंकड़े कम होते हैं तो निश्चित तौर पर आंकड़ों पर ही सवाल उठाए जाएंगे, या जो आंकड़े तैयार करने का तरीका है। आपका क्या कहना है? अरे आप उत्तराखंड में है, राजस्थान में? आप उत्तराखंड की बात करिए ना। संजीव वर्मा जी, उत्तराखंड पर ही रहिए, इधर उधर मत जाइए। इस तरीके से तो हिमाचल प्रदेश में इस समय देख लीजिए बेरोजगारी दर किस तरीके की है। इधर उधर मत जाइए, उत्तराखंड पर रहिए, उत्तराखंड पर रहिए वर्मा जी, आप उत्तराखंड पर। ठीक है, उत्तराखंड में। और एक बार बात उनके पकड़ दीजिए, उसके बाद रखूंगी आपके पास। आप हरियाणा और राजस्थान की बात मत करिए, आप उत्तराखंड की बात चल रही है, उत्तराखंड की बात करिए। तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की उत्तराखंड की चिंता कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, मैं उत्तराखंड की चिंता पहले करूंगा और मैं उत्तराखंड की सरकार से सवाल भी करूंगा कि आप बताइए कि 4 महीने के अंदर आपने क्या क्या कदम उठाए हैं। आप ये तो बताइए, लोग पलायन कर गए हैं इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी की दर कम हो गई और आप छाती ठोक रहे हैं अपनी। मेरे भाई नेगी जी, पूरे देश भर में आज हम टॉप 5 वाले जो नंबर है उसके अंदर है। तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार को, और आप उत्तराखंड का अगर कुछ अच्छा होता है तो आपका अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे भैया, आप ये तो बताइए क्या, अरे आप ये बताइए ना कि आपकी सरकार ने क्या किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां तो बता दो। मेरे भाई, उपलब्धियां कितने 4 महीने में कितने बच्चों को आपने नौकरी दी, ये बता दो। ये उपलब्धि हमारी सरकार की है। ये जो बेरोजगारी तुम्हारे के पास नहीं हुई है, ये हमारी तुम्हारी कृपा, तुम्हारी सरकार की कृपा से नहीं है, उपलब्धि है तुम्हारी सरकार की कृपा से। ठीक है, नेगी साहब, नेगी साहब और वर्मा साहब दोनों से रिक्वेस्ट है कि भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए। दोनों से रिक्वेस्ट है कि भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज। वर्मा जी, बिना सिर पैर की बात करने से क्या फायदा है? आप मुझे ये बता दो ना कि आपकी सरकार, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप कर रहे हैं तो आप आंकड़े दो ना कि हमने इतने लोगों को जो भी इन सभी चीजों के लिए
जो कागजी कार्यवाही थी उसको बिल्कुल एक सिंगल विंडो माध्यम के द्वारा जो पेपर फॉर्मेलिटीज थी उसको बिल्कुल मिनिमाइज करने का काम किया, और उसी सब चीजों का परिणाम है कि आज जो बेरोजगारी दर है उत्तराखंड में बिल्कुल एक मिनिमम के आंकड़े पर, हिमालय स्टेट में सबसे कम उत्तराखंड में बेरोजगारी दर है। तो मैं उसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं, और साथ ही जो डबल इंजन की हमारी सरकार चल रही है और उत्तराखंड पर कर्ज कितना है वर्मा साहब बताएंगे आप जी? उत्तराखंड पर कर्ज कितना है? आप कह रहे हैं आपने तमाम रोजगार के सृजन के, कर्ज कितना उत्तराखंड पर? मुस्कान जी देखिए, 1,00,000 करोड़ अगर अगर आप कर्ज की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस की भी सरकारें रही, और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकारों के द्वारा जितना भी लोन लिया गया था, का पूछ रही हूं मैं। नहीं, जितना लोन लिया गया था उसका रीपेमेंट बिल्कुल भी इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। इन लोगों की जो करनी है उसको भी हमको भुगतना पड़ रहा है। चलिए, आप भी करनी भुगत रहे हैं वर्मा साहब, नेगी जी ये कांग्रेस भी करनी भुगत रहे हैं वर्मा साहब। मैं आ रही हूँ वर्मा साहब, आ रही हूँ। मुस्कान जी जी, 2000 से लेके और 2017 तक जितना कर्ज जो है राज्य पर था उससे दुगुना कर्ज ये 2017 के बाद अब तक ले चुके हैं, और यही डबल इंजन है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, भाषण देना अलग चीज है, तथ्यों के साथ बात करनी अलग चीज है। मैंने इनको कहा, पूछा कि 24,000 नियुक्तियों की रिक्तियों को भरने की बात आपने कही थी, कितनी रिक्तियां कितने बेरोजगारों को आपने दी, उसके पास इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। आपने जो है टूरिज्म के क्षेत्र में होम स्टे के अंतर्गत कितने लोगों के होम स्टे इस प्रदेश में 5 सालों के अंदर बने, कितने लोगों को उसमें रोजगार दिया गया, वो आंकड़ा आपके पास नहीं है। आपने सोलर ऊर्जा के अंतर्गत कितने लोगों, अरे आप सुन लो ना, अरे 8,00,000 बोल के नहीं होगा, 8,00,000 से अधिक के साधन हमारे स्वरोजगार के साधन के द्वारा 5 सालों में उपलब्ध कराए गए। देखिए वर्मा जी, खाली बोलने से कुछ नहीं होता, आपके आंकड़े तो वही है। नहीं भाई, आपके आंकड़े आपके आंकड़े नहीं, सुन तो लो, नहीं आप श्वेत पत्र जारी करो ना, बताओ तो सही, सरकारी आंकड़ा लो। आप एक बात सुनो, आपके तो आंकड़े वही हो जाते हैं कि 15,00,000 हर भारतीय के खाते में आएंगे, आप क्या आ गए और उसके बाद आप जुमला बता देते हैं। तो इस बात जुमलेबाजी मत करिए मेरे भाई। हम कहना चाहते हैं कि 24,000 नौकरियां में से अगर आपने 4 लोगों को भी नौकरी दी है तो बताइए, हमेशा नहीं चलने वाली 2,000 हमेशा नहीं चलने वाली, अब जनता समझ चुकी है। आप लोग करते नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके नेता भैया, आपके नेता बताते हैं कि वो जुमला था 15,00,000 के खाते में आएगा, क्यों? वो हमने कहा था क्या? वो इंदिरा गांधी ने कहा था कि राजीव गांधी ने कहा था कि जवाहरलाल ने कहा था राजीव गांधी ने कहा था राजीव गांधी ने कहा था राजीव गांधी ने कहा था 15,00,000 आएंगे। सुन लो, राजीव गांधी ने कहा था दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 15 पैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, यानी 85 पैसे पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ठीक है हरीश मैकुरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बात इतनी सी है कि दोनों ही पार्टियां जो है वापस में इस बात पर लड़ रही है कि आखिर रोजगार का सृजन कौन करे। संजीव वर्मा जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ एक बार फिर से, आ रही हूँ संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ नेगी साहब आ रही हूँ एक बार फिर से, आ रही हूँ। ठीक है नेगी साहब, वर्मा साहब दोनों से रिक्वेस्ट आ रही हुई थी, तुम्हें वैसे बाहर निकलते हैं। हरीश रावत जी से पूछना पड़ेगा इस बात के लिए, हरीश रावत जी से पूछ के आइए, हरीश रावत जी से पूछिए, हरीश रावत जी से पूछिए, नहीं हरीश रावत से क्या पूछेंगे, हरीश रावत है।
2017 तक जो आपकी सरकार थी उसमें मैं 22 की बात कर रहा हूँ। उस समय मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की बात कर रहा हूँ। प्रचंड बाबा की सरकार की बात कर रहा हूँ। उसकी बताइए देखो, नहीं उसकी बात बताइए कि हरीश बाबा सरकार चला रहे हैं कि धामी सरकार चला रहे हैं। कौन की सरकार है यार? आज भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी ये बता दीजिए ना, मुझे ये बता दीजिए कि क्या क्या उसका नाम जो है, इस विभाग में कितना कमीशन है आपको पता नहीं है? आप धरातल के लोग नहीं है? ये कमीशन कमीशनबाजी कांग्रेस की सरकारों में हुआ करती थी। अरे भैया कांग्रेस की सरकारों में हुआ करती थी। आज भारत जीरो टॉलरेंस की सरकार है। पूरी जीरो टॉलरेंस कहने से थोड़ा ही होता है। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, विभागों में भ्रष्टाचार है, वही आज भी स्थिति सुधरी नहीं है। आपके सरकारों में और बदतर हो गई है स्थिति। बोलने के लिए कुछ है नहीं, नहीं बोलने के लिए क्या नहीं, क्यों नहीं आप बताइए ना, है कुछ आप बताइए केवल उंगली उठा सकते हैं दूसरे के ऊपर। उंगली उठाने का नहीं, सत्य नहीं, केवल उंगली। चलिए ठीक है संजीव वर्मा जी, नेगी साहब लौट रहे एक बार फिर से आप दोनों के पास। लौटूंगी नेगी साहब बहुत हो गया, एक बार लौटूंगा मैं आपके पास एक बार फिर से। संजीव वर्मा जी लौटूंगा आपके पास भी। हरीश मैखुरे जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ मिल रही है। देखिए दोनों पार्टियां इस तरीके से यही डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर कर्ज किसके समय में ज्यादा था, रोजगार के सृजन किसने ज्यादा किए। अब इस समय सबसे ज्यादा अभी भी देख लीजिए अग्निपथ को लेकर किस तरीके से सड़कों पर है युवा, किस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है, आग के हवाले लगातार सरकारी संपत्तियों को किया जा रहा है। इस तरीके के उग्र प्रदर्शन से बचने के लिए ये जरूरी है सरकार को रोजगार देना। मुस्कान जी मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 2-3 चीजें जरूर रखना चाहूंगा, आप जरा समय देना। एक तो मुस्कान जी उत्तराखंड राज्य का जो कुल जनसंख्या है वो 3 करोड़ है, इसका जो डेमोग्राफी है वो बड़ी छोटी है, लेकिन एक राज्य के रूप में ये एक पूरी यूनिट होता है। उत्तराखंड में करीब कोरोना के बाद 1.5 लाख लोग उत्तराखंड वापस आए थे और अब करीब करीब 1 लाख लोग वापस जा चुके हैं। जो उत्तराखंड रिवर्स प्लान हुआ था वो वापस जा चुके हैं। तो चूंकि उत्तराखंड को भी हमने देश के जो राज्य है 27-28 राज्य हैं उसमें हमने उत्तराखंड को भी एक यूनिट मान लिया, जबकि ये उत्तर प्रदेश के 4-6 जिलों के बराबर नहीं है उत्तराखंड। तो इसलिए जो है यहाँ पे बेरोजगारी की दर जो है टॉप में दिख रही थी देश के राज्यों में, ना उत्तराखंड में कोरोना के कारण उतनी बेरोजगारी बढ़ी जितनी देश के अन्य राज्यों में बढ़ी है, और ना वापस जाने के बाद उतनी मतलब बेरोजगार कम हुए हैं जितने प्रदेश के अन्य राज्यों में हुए हैं। तो मतलब ये डिजिटल आंकड़ा इसलिए हमको झेलना पड़ता है उत्तराखंड को। मैं तब भी कह रहा था कि बेरोजगारी उत्तराखंड में बढ़ी नहीं है, बल्कि लोग कोरोना की वजह से अपने घरों में आ गए हैं सुरक्षित ठिकानों पे, और आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि लोग अब कोरोना थोड़ा सा ठीक हो गया तो लोग वापस चले गए। जहाँ तक जो अग्निपथ है या अग्निवीर की भर्ती का सवाल है और जिसपे देश के युवा नाराज हैं, तो हमारे देश में एक पैटर्न है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और शुरू में कंप्यूटर लाए तो हमारे लाल झंडे वाले भाई सबसे पहले आए कि देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी कंप्यूटर की वजह से, और ये हो जाएगा तय हो जाएगा, सारे लोग बेरोजगार होंगे, एक आदमी का काम 20 आदमियों का काम एक कंप्यूटर करने लगेगा। ये सब हमारे बचपन में, हम तब स्टूडेंट थे तब हुआ करता था। जब हमारे देश में पहली बार रेल चली, आपको ताजी हो गया, रेल लाइन बिछी, तो उसका भी विरोध हुआ कि आप भारत माता को जो है लोहे की बेड़ियों से जकड़ देंगे। उसके बाद जो हमारे देश का डिजिटलाइजेशन हुआ तो उसमें भी विरोध हुआ साहब कि हम डिजिटल क्या करेंगे, हम तो अभी रोटी पानी तक ही सीमित हैं। उसके बाद अब बुलेट ट्रेन आई तो उसका भी विरोध हुआ। ये जो नया अग्निपथ वाली स्कीम है, निश्चित रूप से इससे देश के युवाओं को डायरेक्शन मिलेगा। 4 साल ही सही, हमारी फौज कितनी मेहनत करती है, किस तरह से परिस्थितियों को आत्मसात करती है, किस तरह से देश की रक्षा करती है, किस तरह से हमारे जो युवा, अभी तक मैं देखता हूँ कि कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, उस उम्र में हमारा युवा जो फौजी है वो देश का जिम्मेदार नागरिक होता है, देश संभालता है। तो ये स्कीम मोदी जी की या केंद्र सरकार की जो भी कहें, बहुत बढ़िया स्कीम है।
इससे युवाओं को एक डायरेक्शन तो कम से कम मिलेगा और भविष्य के लिए अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, वो अच्छी परमानेंट नौकरियों पर भी जा सकते हैं। और जहां तक मैं देख रहा था, ये मतलब रेगुलर भर्ती इससे कम नहीं होगी, बल्कि ये रेगुलर भर्ती की दिशा में एक प्रक्रिया है। और चार साल तो यूं निकल जाएंगे, अगर चार साल हम अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाते हैं, उसको कुछ पैसा देते हैं, उसको कुछ डिपॉजिट वापसी में जब घर आएगा तो वो देते हैं, तो बुरा मैं समझता हूँ कि बहुत नहीं है। और इसमें करीब करीब 16 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात आ रही है, तो 16 लाख युवाओं को अगर चार साल भी रोजगार मिलता है तो बुरा क्या है भाई इसमें? तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कोई मतलब बहुत इसमें विरोध करना चाहिए, बल्कि इसको आत्मसात करना चाहिए। इजराइल की सेना इसी तरह की, मतलब हर आदमी वहां 4 साल 3 साल जो है फौज में रहना ही जरूरी है। चीन में इस तरह का होता है, जर्मनी में इस तरह का होता है, हमारे देश में कोई नया काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारे देश में जब भी नया काम होता है तब उसका विरोध हो जाता है। और कुछ विरोध के लिए विरोध होता है, कुछ अच्छी चीजों का भी विरोध होता है। तो निश्चित रूप से इसको देखा जाना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, एक बार इसको देख लेना चाहिए कि निश्चित रूप से नया प्रयोग है। हम जब जवाहर रोजगार योजना लाए, लोगों ने कहा गड्ढे खोदने की स्कीम है, आज बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है। उसी तरह से ये भी एक रोजगार की स्कीम है, इसको एक बार देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, बाद में उसके परिणाम आएंगे तो देखा जाएगा आगे। जी मैत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सरकारें रही 2017 से लेकर 2017 तक, चलिए चर्चा की शुरुआत अब एक बार फिर से कर लेते हैं। धामी कदम बेरोजगारी हुई कम, इस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बेरोजगारी जो कम हुई है ये वाकई सिर्फ आंकड़ों में कम दिखाई जा रही है। ये तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो बेरोजगारी है वो पूरे तरीके से कम नहीं हो पाई है, धरातल पर ये जो आंकड़े हैं ये गलत साबित हो रहे हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नेगी साहब आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। हेलो जी नेगी साहब। मुस्कान जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा कर्जा है, फिजिकल डेफिसिट है उत्तराखंड का, वो 1,05,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और ये पहले जो है 70,000 करोड़ के आसपास था। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में क्योंकि संसाधन नहीं है, हमारा पर्यटन को छोड़कर और शराब को छोड़कर दूसरी कोई आर्थिकी नहीं है, इन 21 सालों में हम लोग पूरे पर्वतीय क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो उस पर निश्चित रूप से सरकारों को संजीदा होना है, चिंतित होना है और चिंतन मनन करना चाहिए कि हम क्या खोल सकते हैं। हम जो भारी भरकम चीजें हैं उसके उद्योग पहाड़ में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम एक बेंगलुरु पहाड़ में जरूर बना सकते हैं, हम गैरसैंण में एक बेंगलुरु बना सकते हैं, बेंगलोर बना सकते हैं, हम डिजिटल सिटी बना सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड को यहाँ से ऑपरेट करे, इतनी अच्छी जलवायु है, इतनी अच्छी क्लाइमेट है जिसकी कोई हद नहीं, पूरे गैरसैंण को हम लोग चमका सकते हैं। जैसे 26,000 करोड़ 25,000 करोड़ का जो बजट रखा हुआ था गैरसैंण राजधानी की दिशा में, अगर उसको हम पूरा खर्च करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, निश्चित रूप से ये देश की सबसे अच्छी सिटी होगी जिसको लोग देखने आया करेंगे, इतनी अच्छी वहाँ क्लाइमेट होती है। और अब तो सड़क हमारी अच्छी हो गई है, रेलवे लाइन अच्छी बन रही है, तो निश्चित रूप से भविष्य में 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आएंगे जो गैरसैंण भी आएंगे, उसके नजदीक जैंकन थोली में एक हम हेलीपैड बना सकते हैं, मतलब एयर स्ट्रिप बना सकते हैं, हवाई पट्टी बना सकते हैं, जो हमारी सामरिक महत्व की होगी, जो हमारी गैरसैंण में आने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के बड़े जहाज उतार सकती है, लोगों को उतार सकती है, पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है, उस दिशा में काम होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज जो है निश्चित रूप से चमोली और उत्तरकाशी में खोला जाना चाहिए, और जो हमारे रेलवे नए स्टेशन बन रहे हैं, 18 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे चार धाम रेलवे स्टेशन के मार्गों पर, उन पर जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं, अगर उनके पास वहाँ पे जमीन है तो आंख मूंद के बैंकों को और सरकार को उनको मतलब सब्सिडाइज जो है लोन देना चाहिए ताकि बड़े होटल खड़े हों, वरना हमारे 1 करोड़ लोग आएंगे तो ठहरने की व्यवस्था नहीं है उत्तराखंड में, तो निश्चित रूप से उस दिशा में काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए वर्मा साहब, छोटे छोटे से कुछ आपको कह सकते हैं कि सुझाव दिए आपको नेगी साहब ने, काम करेंगे इन पर? मुस्कान जी देखिए, सरकार पहले से ही काम कर रही है और अगर कोई अच्छे सुझाव मिलते हैं तो हर व्यक्ति के सुझाव आमंत्रित हैं और सरकार पूरी गंभीरता के साथ उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए हर संभव प्रयास करती रही है और करती रही है, काम करती रही है और काम आगे भी करती रहेगी। और जिस तरह से हमारा एक उद्देश्य है कि उत्तराखंड आने वाले 2025 में
देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड की आर्थिकी सबसे सुदृढ़ आर्थिकी हो, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, 35 नए डेस्टिनेशन पर जो चारधाम से संबंधित हैं और जहां टूरिज्म की एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, उन पर रोपवे का काम के लिए सरकार के द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया है, और मैं सोचता हूँ जिस समय वहाँ पर पूरे रोपवे लग जाएंगे तो जो हमारा टूरिज्म है वो कई कई गुना होगा, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, हमारी आर्थिकी सुदृढ़ होगी और आय के साधन बढ़ेंगे, और उत्तराखंड का जो राजस्व है वो उत्तराखंड का राजस्व भी बढ़ेगा, और जिस तरह से मैं सोचता हूँ हमारे कुछ युवा थोड़े से और ज्यादा बेटरमेंट के लिए और अधिक धनोपार्जन के लिए बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, जब ये सारी चीजें होने लगेंगी, ये हो रही हैं, बहुत सारे युवा अभी रिवर्स पलायन करते हुए उन्होंने चारधाम हमारी जो बड़ी एक लाइफ लाइन है उस वहाँ पर होटल का, होम स्टे का और टूरिज्म से जुड़ी हुई किसी ने अपनी टैक्सियां डाल रखी हैं, किसी ने अपने टेम्पो ट्रेवलर डाले हैं और वो सब लोग बहुत खुश हैं, सरकार दिल खोलकर उनके लिए तमाम सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर रही है। सुझावों पर आप काम करेंगे या नहीं, बस ये बता दीजिए वर्मा साहब जी, सुझाव जो दिए गए इन पर काम होगा या नहीं? देखिए मैकुरे साहब ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और नेगी साहब ने भी। मुस्कान जी देखिए मैंने कहा अगर जो भी पॉजिटिव सकारात्मक सुझाव आते हैं उत्तराखंड की बेहतरी के लिए तो हर व्यक्ति के सुझाव आमंत्रित हैं और हर व्यक्ति के सुझाव पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और आगे भी करेगी। चलिए ठीक है, मैं खुरी साहब, वर्मा साहब कह रहे हैं कि इन सुझावों पर काम किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस समय रोजगार के बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि बेरोजगारी का ही आज मुद्दा है, इस पर हम जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, अभी आप क्या कारण समझते हैं कि बेरोजगारी दर उत्तराखंड में इतनी जो फिलहाल आंकड़ों में कम है लेकिन आंकड़े जो धरातल पर सच्चाई है बेरोजगारी की वो क्यों है आखिर? मुस्कान जी बेरोजगारी का जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ आज भी वही चीज कहूंगा, बेरोजगारी का जो स्थायी समाधान है वो है सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, वरना होता क्या है कि हम लोग जितने ज्यादा रोजगार सृजित करते हैं उससे ज्यादा हमारे यहाँ पैदा हो जाते हैं, हर दिन हमारे भारत में 16 लाख बच्चे न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं, 16 लाख, नोबडी कैन इमेजिन इट, तो 16 लाख बच्चों के लिए हम हर दिन कोई रोजगार पूरी कोई जुटा सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक सुदृढ़ मजबूत और प्रभावशाली जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लाना ही पड़ेगा, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में, तुष्टिकरण के चक्कर में और न जाने किसकी चक्कर में ये कानून हमारा आ नहीं पाया, स्थायी समाधान बेरोजगारी का यही है। लेकिन रोजगार सृजन के लिए जैसे मैंने कहा कि एक तो पहाड़ों में होम स्टे को बढ़ावा दिया जाए, एक जो हमारे उद्योग विहीन है 8 पर्वतीय जिले उनमें कुछ ना कुछ रोजगार कुछ ना कुछ उद्योगीकरण अवश्य करें, चाहे आप मतलब जैसे चीन में होता है घर घर हम लोग डिजिटल चीजें बनाते हैं, जो खिलौने चीन के आते हैं, जो सामान चीन का आता है वो हवा हर घर में ऐसे बनता है जैसे हमारे घर में आलू के चिप्स बनते हैं, तो कुछ इस तरह का हम लोग उत्तराखंड में जरूर कर सकते हैं, चीन को पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें विजन हो तो। और दूसरा चारधाम योजना मैं कह रहा हूँ अभी 20 लाख आ रहे हैं हम संभाल नहीं पा रहे हैं, 1 करोड़ आने वाले हैं, आप धक्का मारेंगे तो भी 1 करोड़ लोग आएंगे, क्योंकि ये भूमि ही ऐसी है, इसको देखने के लिए, इसके स्पर्श के लिए, इसके दर्शन के लिए पूरा दुनिया का जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड आना चाहता है, सिर्फ संसाधन नहीं है, सड़कें नहीं है, अभी 6 दिन लग रहे हैं हमारी यात्रा में अगर चारधाम यात्रा करते हैं तो, थोड़ा सा जब हमारी ये सड़क केंद्र सरकार की जो परियोजना है उससे अच्छी बन जाएगी, जो रेलवे स्टेशन है हमारे अच्छे बन जाएंगे, जो हमारी एयर कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी थोड़ा सा, और अभी एयर स्टेट भी बनाने हैं, जो हमारे 35 नए रोपवे बन रहे हैं निश्चित रूप से वो भी पर्यटन को बढ़ावा देंगे, लेकिन थोड़ा सा और उद्योगों
की दिशा में भी काम करने की जरूरत है। हम नदियों पर आधारित कुछ उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं जिससे नदियां गंदी भी ना हो। जैसे हम पत्थरों को डिजाइन करके उनको बेच सकते हैं, उनकी माला बना सकते हैं, उनके जो विभिन्न मतलब हमारे धार्मिक स्थलों पे बेचने योग्य मूर्तियां बना सकते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें बन सकती है। हमारी नदियों में सोना भी बहता है। पहले लोग सोना बिनने वाले यहाँ आते थे, अब हमारी नई पीढ़ी भूली गई। हमारे उत्तराखंड में पहले तांबे की खाने थी, उनको हम लोगों ने बिसार दिया है पूरी तरह से। मतलब लोग हाथ से तांबा खानी पौड़ी में दुनिया भर की जगह है, हाथ से खनते थे तांबा, तो अब तो मशीनें आ गई, भाई शुरू करो उन खानों को। तो इस तरह का हमारा अल्मोड़ा का टमटा उद्योग है, टमटा लोग वहां पे करते थे, वो आज पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो हम कुछ अपने परंपरागत चीजों, हमारी खेती है जो फलोद्यान है हमारा, हम फलोद्यान विभाग को ही समाप्त करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको देखो। फलोद्यान हमारा सारे जो जंगली पशु होते हैं वो फलों को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उस पर दिशा में काम हो कि कैसे क्या हो सकता है। तो हम लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक हर गांव हमें सड़क पहुंचानी पड़ेगी। पानी हमने पहुंचा दिया है पिछली बार जो धामी सरकार और ये त्रिवेंद्र रावत की सरकार रही है, हर घर नल की बात जो हुई उससे काफी गांवों में पानी पहुंच चुका है। कुछ कुछ अभी भी बाकी है, कुछ कुछ जगह नल अभी कोरे हैं, उनमें भी धीरे धीरे पानी पहुंचेगा। एकदम से सब चीज नहीं होती है हम मानते हैं, लेकिन अब सड़कें पहुंचाने का जिम्मा सरकार का, सड़कें हर गांव में पहुंचाइए। लोग साल में शादी के दिन सही, बार त्योहार पे सही, कम से कम अपने गांव तो जाएं। दो दिन गांव में रहेगा, दो दिन गांव वाले की चाय बिकेगी, ये भी बिकेगा, नमक तेल बिकेगा, तो निश्चित रूप से गांवों की ओर रोजगार सृजन बढ़ेगा। तो इस दिशा में काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अलग अलग तरीके के सुझाव दिए जा रहे हैं अभी, और ये बहुत अच्छा मौका है सरकार के लिए कि ये जो सुझाव है इन पर काम हो सके। नेगी साहब जी, देखिए मैखुरी जी ने काफी सुझाव दिए और इन सुझावों के क्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन आयोग पिछले त्रिवेंद्र जी की सरकार के समय में बना था, आज तक उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। और जहां तक आप अगर आपको उत्तराखंड में पलायन रोकना है तो हम लोगों को पहले स्वास्थ्य की सुविधा देनी पड़ेगी, शिक्षा की सुविधा देनी पड़ेगी और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। आज भी हम लोग जिस प्रकार से मैखुरी जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ तांबे की खाने हैं, हीरे की खाने हैं, सोने की खाने हैं, बहुत कुछ इस हमारी हिमालय के जो है गर्भ में बहुत कुछ है, परंतु हमारी दिक्कत कहाँ पर है कि हम उसका दोहन नहीं कर सकते। आज एनजीटी हमारे ऊपर इतना हावी हो गया है कि हम अपने जो हमारे खादान है उनसे हम अपने खनिज पदार्थों का दोहन नहीं कर सकते। जंगल हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखते हैं, जंगल हम अपने काट नहीं सकते, जंगलों से जो है हम इमारती लकड़ी और बहुमूल्य लकड़ी का जो है दोहन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जो हमारा हिमालयी राज्य है, हमारा नवोदित उत्तराखंड राज्य है, इसमें उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं और जो हमारा स्थानीय जो कच्चा माल है उसका उपयोग जो है होना चाहिए। इस प्रकार के जब तक हम उद्योग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर रोजगार नहीं के अवसर सृजन नहीं करेंगे, कोई ऐसा व्यवसाय हम नहीं कर पाएंगे। केवल हम ऊर्जा प्रदेश कहते रहे, हमारी 26 जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो बच्चे खाते में गई हुई है, उन पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऊर्जा प्रदेश खाली ऊर्जा प्रदेश कहने से बात नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से जो है कई समस्याएं हैं हमारी, उन पर काम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मैखुरी जी कह रहे थे कि उत्तरकाशी और टिहरी के बीच में जो है कहीं पर बड़ा जो है हॉस्पिटल बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, चमोली में बनना चाहिए, हर जगह जो है जो हमारे मुख्य मुख्य स्थल है कम से कम वहां पर एक एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बने, जहां पर लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले, वहां स्कूल जो है जो बड़े बड़े जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है, जिन स्कूलों के लोग के मारे लोग जो है पलायन करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की तरफ दौड़ते हैं, वो सुविधाएं अगर हमको वहां पर मिलेंगी तो निश्चित तौर पर हमारा व्यक्ति फिर पलायन नहीं करेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, फिर किन क्यों जाएगा वो बाहर। कोई भी व्यक्ति अपना गांव घर नहीं छोड़ना चाहता, तो हमारा जो नवयुवक है वो मजदूरी में पलायन करता है और ये पलायन की त्रासदी जो है इस उत्तराखंड को झेलनी पड़ती है। ठीक है नेगी साहब, संजीव वर्मा जी। मुस्कान जी देखिए, जिस तरह से बात आई पहाड़ों की,
तो पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए हमने अभी 5 मेडिकल कॉलेजेस उनके ऊपर काम कर रहे हैं। 5 मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाए हैं और लगभग पूरी तरह से पूर्णता की ओर है। और जैसे आप शिक्षा की बात करते हैं तो अभी माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जितने भी हमारे यहाँ देहरादून में और देहरादून हुआ, हरिद्वार और उधम सिंह नगर हुआ, यहाँ के जितने भी बड़े स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं नामी गिरामी, उन सभी से आग्रह किया है और उन सभी को निर्देशित किया है कि आप लोग अपने अपनी एक ब्रांचेस पहाड़ी स्थानों में भी खोलें, पर्वतीय स्थानों में खोलें, ताकि वहाँ का जो लोकल व्यक्ति है उन तक आपकी शिक्षा का अच्छे से प्रसार भी हो सके। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सके, साथ ही जो इसमें जो वहाँ पे एक स्थायी रूप से कुछ बाहर से जो लोग बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं तो वो भी बोर्डिंग, ठीक है संजय वर्मा जी, ठीक है, चलिए समय मुझे इतनी इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो कुछ बेहतर आंकड़े बताए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर चीजें वैसी नहीं है जैसी आंकड़ों में है, तो ये सरकार से लगातार उम्मीद युवा जता रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो कमी है उसको सरकार पूरे तरीके से भरे, क्योंकि कुछ कमियां हैं, कुछ रोजगार के सृजन किए गए हैं, ये जो कमी है उसको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि युवा जो खुश है वो और ज्यादा खुश हो सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए अब देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।